अपने आईने के जौहर को जो परखा मैंने सीना खवेश में खलवत का तरीक अपनाया ऐसे बेजौक खिरदमंदों की सोहबत से मैं गम देरीना को पहलू में लिए लौट आया मैंने इस खाक से जब रखते सफर बांधा था सब ये कहते थे हमारा भी शनासा था वो पर किसी को नहीं मालूम कि इस राही ने क्या कहा किससे कहा और कहाँ का था वो इकबाल कह रहे हैं कि जब मैंने अपने आईने के जौहर को देखा तो मैंने अपने सीने के अंदर ख़लब इख्तियार कर ली मैं अपने पुराने गम के साथ इन बसीरत से आ रही और बेज़ौ अहल खिरत से दूर हो गया यानी मैं अपनी ज़िंदगी के जौहर से आगाह होकर अपनी ज़ात में गुम हो गया और यूँ मैंने अपनी मार्फत व खुदी की वसात से इस त वनाए मतलू को पा लिया इस बिना पर मुझे गम इश्क ने इस बात पर मजबूर किया कि मैं अहल खरत से दूर रहूँ जो अपनी खुदी और मार्फत से बेख़बर हैं और यूँ मार्फत ईजदी से भी उन्हें कोई सरोकार नहीं जब मैंने इस दुनिया से अपना सामान बाँध लिया तो सब ने कहा वोबाल हमारा वाकिफ था लेकिन किसी ने यह ना जाना कि इस मुसाफिर ने क्या कहा किससे कहा और वो कहाँ से आया था मेरे मरने पर सभी ने मुझसे अपनी आशनाई का तो दावा किया लेकिन कौम के किसी फ़र्द ने मेरे पैगाम पे तवज्जो ना दी और इस पर कोई अमल ना किया गोया कौम ने मेरी शायरी को आम की शायरी की तरह पढ़ा और ना तो मेरी और ना मेरी शायरी की अहमियत और हकीकत को जानने की कोशिश की